हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और इससे पहले मैं इसी टॉपिक के ऊपर दो वीडियो बना चुका हूँ। मैं तीसरी वीडियो जो एग्ज़ाम में पहले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर ही, जो कि इंग्लिश मीडियम में जो पेपर आते हैं उनमें साइकोलॉजी का जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वही क्वेश्चन की तीसरी वीडियो है उन्हीं क्वेश्चन पर। टॉपिक भी सेम है, आईसीटी पेडागोजी इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है इसको शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है हु इज़ नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। ये स्कूल लेक्चरर 2016 होम साइंस जो इंग्लिश मीडियम का पेपर था उसमें आया है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, चार्ल्स बाबेज। ठीक है, इसका थर्ड आंसर सही है और ये फादर ऑफ कंप्यूटर हैं, चार्ल्स बाबेज। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर वायरस इज ए, ये स्कूल लेक्चर 2013 में फिजिक्स और फिलोसफी में आ चुका है। ठीक है, वायरस इज ए, वायरस एक ना हार्डवेयर होता है ना बैक्टीरिया होता है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है। वायरस इज ए सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। हु इज एक्सपोनेंट ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, जो सॉफ्टवेयर की जो टेक्नोलॉजी है वो एक्सपोनेंट उसके कौन है, यानी कि उसको बनाने वाले कौन हैं। तो इसका सेकंड जो ऑप्शन है वो सही है, स्किनर, बी एफ स्किनर। ये पहले पूछा जा चुका है, ये भी स्कूल लेक्चर 2013 केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम के पेपर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्नोलॉजी बेस्ड टीचिंग एड। जो ये ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से ये बताना है कि जो जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं होता, सिंपल हार्डवेयर और हार्डवेयर होता है। ठीक है, ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है और ये क्वेश्चन भी पहले एग्जाम में आ चुका है। तो टेक्नोलॉजी बेस्ड जो टीचिंग है, यानी कि टेक्नोलॉजी के द्वारा जो टीचिंग की जाती है, उनमें सिंपल हार्डवेयर वो चीज़ होती है जिसको अपन टच कर सकते हैं, जिसको अपन देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर वो चीज़ होती है जिसको अपन सिर्फ देख सकते हैं, टच नहीं कर सकते। ठीक है, जो कंप्यूटर में फाइल्स होती है, जो कंप्यूटर में कोई भी चीज़ प्रोग्राम होता है, कुछ भी होता है, कोई भी एप्लीकेशन होती है, वो सब सॉफ्टवेयर में आती है। और कंप्यूटर माउस मोनिटर कीबोर्ड ये सब हार्डवेयर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लास प्रोजेक्ट। अब क्लास प्रोजेक्ट क्या है, वाज स्टार्टेड बाय, क्लास का फुल फॉर्म देख लेते हैं पहले क्या है। कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल्स, यानी कि जो कंप्यूटर की जो शिक्षा है वो स्कूलों में किसके द्वारा दी गई। ये सब जो चार ऑप्शन दे रखे हैं ये संस्थाएं हैं, एजुकेशन से रिलेटेड हैं। तो कौन सी संस्था ने सबसे पहले क्लास प्रोजेक्ट का, यानी कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज़ इन स्कूल की शुरुआत की थी, वो की थी NCERT। ये अपने एक टॉपिक भी है फर्स्ट ग्रेड के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सिल्वरमैन के अनुसार रिलेटिव टेक्नोलॉजी इज नोन। रिलेटिव टेक्नोलॉजी जानी जाती है किसके द्वारा जानी जाती है, हार्डवेयर अप्रोच के द्वारा। रिलेटिव यानी कि टेक्नोलॉजी जिससे सिल्वरमैन के अकॉर्डिंग है, ये सिर्फ सिल्वरमैन के अकॉर्डिंग है कि रिलेटिव टेक्नोलॉजी इज नोन एज, जो रिलेटिव टेक्नोलॉजी वो जानी जाती है हार्डवेयर अप्रोच की नाम से, एज ए हार्डवेयर अप्रोच के द्वारा जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सॉफ्टवेयर कुड गिव स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटी टू मेमोराइज फॉर्मूला इन मैथमेटिक्स, यानी कि वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जो स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाता है मेमोरी, जो मेमोरी फॉर्मूले होते हैं उनको याद करने के मैथमेटिक्स, इन मैथमेटिक्स में। तो इसका सभी का यही होता है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा आप अभ्यास करोगे, आपको चीज़ें उनके मेथड्स रूल्स नियम आपको याद होते चले जाएंगे। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इसमें ड्रिल एंड
प्रैक्टिस, यानी कि आजकल जो भी प्रैक्टिस करते हैं वो नेट के द्वारा करते हैं। आप आजकल एप्लीकेशन आ गई, आप प्रैक्टिस करने के लिए कई तरह की एप्लीकेशन आ गई हैं, इंटरनेट पे मिल जाएंगी आपको। जैसे इंग्लिश ग्रामर की दुनिया भर की एप्लीकेशन है, वो मिल जाएंगी, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप जान सकते हैं कि आपको कितनी नॉलेज गेन कर चुके हैं आप। ठीक है, तो ये है इसका फर्स्ट ही ऑप्शन सही है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस। ये सिंपल है कि ड्रिल ड्रिल एंड प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट टू वर्क एन प्रॉब्लम और एग्जाम्पल वन एट द टाइम। एक ही समय वो प्रॉब्लम, आपकी क्या प्रॉब्लम है वो उसको एग्जाम्पल के द्वारा समझा देता है, देन रिसीव फीडबैक ऑन देयर परफॉर्मेंस, और उसी के द्वारा आपने कैसा परफॉर्मेंस किया उस वैसा ही वो आपको फीडबैक दे देता है, आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, तुरंत बता देता है, जिससे आपको चीज़ों को जानकारी आपको पता चल जाती है कि आपने कितने फॉर्मूले आपके याद हैं, कितने नियम याद हैं। ये सिंपल चीज़ है, हर जगह यही होता है, आप कौन सा काम कितना करते हो उतनी आपको अभ्यास होता चला जाता है, प्रैक्टिस होती चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए सिस्टम इज रेगुलरली इंटरैक्टिंग ऑफ इंडिपेंडेंट्स ग्रुप ऑफ आइटम्स फॉर्मिंग ए यूनिफाइड होल। ये दिस डेफिनेशन इज गिवन बाई, एक डेफिनेशन है कि कोई एक सिस्टम है वो रेगुलरली इंटरैक्ट करता रहता है किसी इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ आइटम्स फॉर्मिंग, यानी कि किसी एक स्वतंत्र ग्रुप बनाने के लिए कोई रेगुलर इंटरैक्ट करता रहता है। एक सिस्टम है इज ए यूनिफाइड होल, वो किसने, ये डेफिनेशन किसकी है, वो यूनिफाइड होल है, वही सब कुछ है, वो पूरी तरह से कंप्लीट है, यूनिफाइड होल वही संपूर्ण है। ये जो डेफिनेशन है वो किसकी है, वो इसका सेकंड आंसर सही है, वेबस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। ये ऑप्शन दे रखे, इनमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी नहीं है, वो अपने को बताना है। इसमें थर्ड ऑप्शन को अपने को पढ़ना ही नहीं है, लेकिन अपने को ये जानकारी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉफ्टवेयर होते क्या हैं। इट इज़ ए सॉफ्ट टेक्नोलॉजी अप्रोच, यानी कि सॉफ्टवेयर आपको पता है जिसको अपन टच नहीं कर सकते, जिसको अपन हाथ से टच नहीं कर सकते, वो सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के अंदर, कंप्यूटर के अंदर। इट इज ऑल्सो नोन एज इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, ये एक निर्देशित टेक्नोलॉजी है, आप अपन उसको इंडिकेट कर सकते हैं कि ये कोई भी फाइल खोल के अपन किसी भी चीज़ को काम कर सकते हैं, कैसी पीपीटी पीडीएफ कुछ भी बना सकते हैं अपन, कोई भी वीडियो प्ले कर सकते हैं, सिर्फ उन उन सॉफ्टवेयर को इंडिकेट करके। तो ये जो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, इसको इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी और कहते हैं, इसका दूसरा नाम। और फोर्थ ऑप्शन पे आते हैं। इट्स मेन बेस ऑफ साइकोलॉजी, इसका मेन ही है, मेन जो बेस है वो साइकोलॉजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच यानी कि जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो इन चार ऑप्शनों में से कौन इनका पार्ट नहीं होता, कौन इनका हिस्सा नहीं होता जो अप्रोच यूज होती है। देखो हार्डवेयर होता है, कंप्यूटर खुद एक हार्डवेयर है, कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, ये सब हार्डवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर फाइल ही के द्वारा अपन कोई भी काम करते हैं, फाइल के द्वारा करते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के द्वारा करते हैं, नाइदर हार्डवेयर नॉर सॉफ्टवेयर, यानी कि ये फोर्थ ऑप्शन इसमें गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट आर द क्लासरूम यूजेज ऑफ कंप्यूटर, कि क्लासरूम में कंप्यूटर का क्या यूज है, देखते हैं। कंप्यूटर असिस्ट इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर से अपन कोई भी चीज़ें देख लेते हैं, कैलकुलेटिंग एनालिसिस डाटा, कंप्यूटर सिम्युलेटेड एक्सपेरिमेंट, इस कुछ भी कर सकते हैं अपन, अपने पास इंटरनेट है, अपन कुछ भी चीज़ पर रिसर्च कर सकते हैं, कुछ भी करते हैं, इसमें चारों तीनों ऑप्शन सही हैं। तो नेक्स्ट पे आते हैं। दिस डिस्टिंक्टिव करेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर इज, यानी कि कंप्यूटर की जो जो चीज़ें होती है उसमें क्या क्या चीज़ें काम आती है, यानी बुनियादी चीज़ें क्या क्या होती हैं उसमें, कंप्यूटर के यूज किस किस प्रकार से होता है,
कंप्यूटर का यूज स्पीड के लिए होता है, जल्दी काम कर लेते हैं। स्टोरेज अपन को उसका कुछ स्टोर करके रख सकते हैं। अक्रेंसी, कंप्यूटर में कभी कोई आंसर अपने को गलत नहीं मिलता, हमेशा करेक्ट आंसर मिलता है। तो ये भी स्कूल लेक्चर 2016 पॉलिटिकल साइंस का जो इंग्लिश मीडियम का पेपर था उसमें ये क्वेश्चन आया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज यूजफुल टू, किसके लिए यूजफुल है? सबके लिए, कंप्यूटर की नॉलेज तो सबके लिए यूजफुल है, ये भी क्वेश्चन आया था 2016 में। लेबर्स, ट्रेवलर्स, टीचर्स, ऑल द वो सबके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर इज, ये भी सब में कंप्यूटर के जो करेक्टरिस्टिक है, अक्रेंसी, ये सही एकदम करेक्ट चीज़ें बताता है। वर्सेटाइल, ये कुछ भी चीज़ गलत नहीं बताता है, या इसकी स्पीड फास्ट होता है, तेज होता है ये। और कंप्यूटर के बारे में आप भी जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का मेन काम क्या है? डाटा कलेक्शन करना, डाटा स्टोरेज करना, डाटा प्रोसेसिंग करना, ऑल द अबव। ये 15 क्वेश्चन थे, और जो मैंने आपको बताया पहले एग्जाम में आ चुके